नमस्कार, स्वागत आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द खास खबर। आज बात करेंगे देश से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों के बारे में। सबसे पहले बात होगी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, जो कि बात बात पर नेता और राजनेताओं के इस्तीफे मांग लेते हैं। दरअसल इस बार उन्होंने तो LG साहब का इस्तीफा मांग लिया, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। बात यह है कि दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी, उसी को लेकर यह पूरा मामला था। आगे बात करेंगे UCC के बारे में। अभी तक UCC का तो पूरा बिल भी नहीं आया है, लेकिन आंदोलन और प्रदर्शन आ चुके हैं। अब किन स्टेट में आंदोलन चल रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बात करेंगे किस तरीके से मोबाइल गेम के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने की लगातार शिकायतें सामने आ रही है, और NIA ने अभी हाल फिलहाल में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, महाराष्ट्र से, दिल्ली से और साथ में UP से भी। आपको ये सारी खबरें मिलेगी, आप असम तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के बारे में ही। प्रगति मैदान टनल से एक चोरी की खबर निकलकर सामने आई है। खबर जब से सामने आई है, ये सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो गई है। पुलिस ने इसमें संदिग्ध दो आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, और इन दो गिरफ्तार आरोपियों ने बाकी के चार लोगों का नाम भी बता दिया था, जो कि इस चोरी में शामिल थे। इस पर मीडिया रिपोर्ट, जिस व्यक्ति के साथ में ये सारी घटना हुई है, वो एक डिलीवरी एजेंट था, जो कि उस दिन 24 जून 2023 को एक कैब से 2 लाख रुपए लेकर गुड़गांव में किसी को डिलीवर करने के लिए जा रहा था। तभी बाइक सवार रास्ते में आते हैं चार लोग और बंदूक की नोक पर उससे 2 लाख रुपए छीन कर निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस ने नाकाबंदी वगैरह सब कर दी है और उन आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार दिल्ली की बिगड़ती हुई हालत है, जो लोगों के ऊपर लगातार जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। अभी हाल ही में चाहे मैं साक्षी मर्डर केस की बात करूँ, चाहे फिर दो औरतों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, इन सारे मामलों की बात करूँ तो ऐसे इशू लगातार निकलकर सामने आ रही है। एक चीज़ तो साफ जाहिर है कि पुलिस इन्हें रोकने में नाकामयाब हो रही है कहीं ना कहीं। अब इससे राजनीति भी कहीं छुपी हुई तो रहेगी नहीं। वहीं राजनीति की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा LG पर ही निशाना साध दिया है। दरअसल दिल्ली की जो पुलिस है वो लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर में ही आती है, और अरविंद केजरीवाल ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। दरअसल उन्होंने इस्तीफे की मांग करते हुए ट्वीट करके ये बताया, LG को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिम्मेदारी उसे मिलनी चाहिए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित बनाने में असमर्थ है तो इसे हमें सौंप दे, हम आपको दिखाएंगे कि शहर को अपने नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाता है, और किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाता है ये कोई हमसे सीखे। और इसी के साथ में उन्होंने एक और ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने इनके इस्तीफे की मांग कर दी। दरअसल किसी भी प्रकार की घटना हो, उसे राजनीतिक एंगल से दूर रखकर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जानी चाहिए। आगे मुद्दे की बात करें तो वो होगा UCC से रिलेटेड। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड जब 14 जून 2023 को 22वीं सत्र की बेंच ने एक नोटिस इशू जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जितने भी धर्म गुरु हैं या फिर जितने भी धर्म संस्थाएं हैं और जो आदिवासी संगठन है, उनको एक अपने विचार रखने का एक समय दिया जाएगा, तकरीबन एक महीने का। 15 जुलाई 2023 को ये सारी रिपोर्ट वापस आनी है। इसमें कुछ पक्षों ने तो इसका विरोध किया है, लेकिन अब विरोध निकल कर सामने आ रहा है चार अलग अलग स्टेटों का इंडिया से, जहां पर ज़्यादातर ट्राइबल्स एरिया के लोग ही प्रदर्शन या फिर आंदोलन करने की बात करें। दरअसल लगातार चली मीटिंग के बाद में ये सारी खबरें निकल कर सामने आई है। अब इनमें से कुछ खबर के ऊपर बारे में हम बात करेंगे, जिससे आप मोटा मोटी इस इशू को समझ जाएंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि UCC के नियम तो अभी क्लियर भी नहीं है, तो इसको लेकर आंदोलन होना थोड़ी मजाक की बात तो नहीं है। लेकिन मजाक की बात नहीं है, इनमें लोगों की चिंताएं भी जाहिर है। अब इसमें पहले आपको समझना होगा कि UCC है क्या, इसके ऊपर वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप हमारे TV Bar 24 पर UCC टाइप करके भी उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल से समझाया है कि आखिरकार UCC है क्या, उसका हिस्ट्री, पास्ट और प्रेजेंट सब समझाया है, और किस तरीके से ये सभी के ऊपर समान तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। लेकिन आपको मोटा मोटी बता दें कि UCC के अंदर कई सारे अधिकार सब लोगों के लिए समान कर दिए जाएंगे, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे उत्तराधिकारी चुनने से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी को गोद लेने से रिलेटेड हो, या तलाक देने से, या फिर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में देने से रिलेटेड हो, कई सारे चीज़ों में एक समान कर दिया जाएगा, जिसमें कई सारी अनुसूचित जाति और जनजाति, कई सारे कबीले और कई सारी ट्राइबल कास्ट इससे एग्री नहीं होगी। ये बात तो पहले से ही तय थी। इसके अंदर अब चार स्टेट ने अपना, जिसे कह सकते हैं, विरोध प्रदर्शन किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के बारे में। दरअसल झारखंड से निकलकर खबर सामने आई है कि कई सारे आदिवासी समूह ने इस UCC बिल के ऊपर अपनी चिंता जाहिर की है। दरअसल 24 जून 2023 को उन्होंने एक मीटिंग की, जो कि ASS यानी आदिवासी समन्वय समिति के अंडर में रहकर ये सारी मीटिंग की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि 5 जुलाई 2023 को वो एक रैली का, प्रदर्शन का एक आयोजन करेंगे, जहां पर वो झारखंड के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे और ये कहेंगे कि किस तरीके से UCC उनकी खुद की परंपराओं के विरुद्ध है, इससे उनकी खुद की परंपराएं कमज़ोर पड़ती जाएगी और जो स्टेट का जो कानून है वो उनके ऊपर लागू हो जाएगा, वो इस कानून को नहीं मानते हैं, ऐसा उनका बयान है।
भाई न्यूज मीडिया पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हुए देव कुमार धन ने ये सारी बातों को कंफर्म किया था। इससे रिलेटेड रिपोर्ट भी आपको टीवी बार 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड से भी ऐसी एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर पेटर्स चर्च और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल यानी एनटीसी इन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि यूसीसी उनके खुद के जो धर्म की जो परंपराएं हैं उन सबको वॉयलेट करती है। दरअसल सबका इशू यहाँ पर सेम ही है, यूसीसी उनकी खुद की परंपराओं के उनके खुद के जो रीति रिवाज है उन सब के अंदर फिट नहीं बैठती है, वो उनकी खुद की परंपराओं को भूलने के लिए मजबूर करता जाएगा और अगर वो उन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें जेल हो जाएगी जैसा कि तय होता है कानून नहीं मानने के ऊपर इंडिया के अंदर, जो नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि ये खुद आर्टिकल 376A का वॉयलेशन करता है जहाँ पर इनको खुद को ये अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक परंपराओं को रीति रिवाजों को मान सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये नियम है जो यूसीसी इसके खुद के खिलाफ है। साथ में नागालैंड की कई सारी नागा ट्राइब्स ने इसका विरोध किया है पुरजोर और उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी तरीके से यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उसके आगे बात करते हैं मेघालय के बारे में, तो मेघालय से भी यही खबर निकलकर सामने आई है जहाँ पर मेघालय की खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि KHADC ने 24 जून 2023 को एक प्रस्ताव पारित किया जहाँ पर उन्होंने ये कन्फर्म किया यूसीसी का विरोध करेंगे। दरअसल उनके एक कोई सदस्य है जिनका नाम है पाइनिंग सिंह सियोंग, जिन्होंने ये बयान दिया था कि यूसीसी खासी समुदाय की शादी रीति रिवाज, दहेज, मृत आदि कई सारे नियमों का विरोध करता है और वही बात खासी समुदाय को छठवीं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिला हुआ है तो यूसीसी इनके ऊपर किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इनका कहना भी कहीं ना कहीं सच है कि अगर खासी समुदाय को छठवीं अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण मिला हुआ है उसे किसी तरीके से रिमूव तो किया नहीं जा सकता, तो जो वो परंपराएं जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर यूसीसी का खासा कोई असर पड़ेगा नहीं। ये गवर्नमेंट के लिए सच में एक चुनौती होगी कि वो किस तरीके से यूसीसी को सबके ऊपर समान तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं खासी समुदाय के साथ में गोरा और जयंती नाम के समुदाय भी साथ में जुड़े हुए हैं जो कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इन्होंने भी यूसीसी का पुरजोर विरोध किया है। और सेम खबर निकल कर आ रही है मिजोरम से जहाँ पर मिजोरम का भी यूसीसी के द्वारा विरोध किया गया है और उन्होंने भी मानने से साफ इनकार कर दिया है। अपनी किसी भी प्रकार की जो विचारधारा है उसका जवाब देने से भी तो इन्होंने मना कर दिया है। अब बात करते हैं आज के हमारे आखिरी मुद्दे के बारे में, दरअसल ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है गाजियाबाद से और गाजियाबाद से पहले निकल कर आ रहा है जबलपुर से। दरअसल 26 मई से लेकर 27 मई तक जो NIA है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी उसने जबलपुर के अंदर 13 जगहों पर रेड की और जहां से 3 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, जहां पर एक शख्स था जिसका नाम था आदिल, दूसरा शाही और तीसरा मामूर। इन सब के ऊपर आरोप है कि वो गेम के अंदर लोगों को कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कन्वर्जेंस होता कैसे है, फिर इन सारे आरोपों के बारे में बात करेंगे। दरअसल धर्म परिवर्तन करना कोई गलत बात नहीं है, हर एक इंसान हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को चुनने को या फिर बदलने को, वो चाहे तो इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में जा सकता है या फिर हिंदुइज्म में आ सकता है, हिंदू से मुसलमान बन सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है इसके ऊपर कि वो किसी भी तरीके से प्रेरित नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए और वो किसी भी प्रकार के लालच में नहीं होना चाहिए, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे पैसों से रिलेटेड हो या फिर किसी धमकी से रिलेटेड हो, उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, वो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि आप कभी रास्ते से जा रहे हो, एक लड़का सिगरेट पी रहा हो और एक लड़का किसी को दान दे रहा हो कुछ पैसे, आप उससे उत्साहित होते हैं, या तो आप सिगरेट पीना शुरू कर देंगे और या फिर आप दान देना शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें किसी ने भी आपको ये नहीं बोला कि आप सिगरेट पीजिए या फिर आप अपना पैसा दान दीजिए। अगर इन दोनों में से कोई भी आपके पास आता है और आपको ये बोलता है कि नहीं तुमको सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, या फिर कोई आपको ये बोलता है कि नहीं तुमको अपना पैसा दान देना ही पड़ेगा चाहे तुम्हारे खुद के पास खाने को हो या ना हो, आपके ऊपर किसी ने दबाव तो नहीं बनाया ना, वो दबाव बनाना गलत है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से सिगरेट पीते हैं या फिर दान देते हैं तो वो आपके लिए सही है, इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। सेम ऐसा होता है धर्म के साथ में, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, आप इसे समझ सकते हैं। धर्मांतरण करवाना इंडिया के अंदर लीगल है लेकिन वो किस कंडीशन में करवाया जाता है उसे देखना पड़ेगा, लेकिन ये लोग जो कर रहे थे वो गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो कैसे ये भी समझ लीजिए। दरअसल कोई भी एक गेम होता है, इसमें हम एग्जांपल लेंगे फोर्टनाइट का, NIA ने फोर्टनाइट गेम को ही कोट किया है अपनी चार्जशीट के अंदर। इन्होंने ये कहा था कि गेम के अंदर ये लोग 12 साल से लेकर 24 साल के लड़कों को टारगेट किया करते थे जहां पर ये खुद गेम के बहुत बड़े मास्टर या फिर धुरंधर होते थे, इनको गेम के अंदर हराना लगभग नामुमकिन हुआ करता था, इनको कोई भी इतनी आसानी से हरा नहीं पाता था। जब गेम खेलते वक्त ये लड़के हारने लगते थे तब जो इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश किया करते थे जो इन गेम के मास्टर थे, वो लोग इन्हें कुरान की आयतें पढ़ाने की कोशिश किया करते थे कि अगर वो कुरान की आयतें पढ़ेंगे या फिर अल्लाह का नाम लेंगे
तो वो गेम में जीतते जाएंगे। और लड़के यही किया करते थे, वो ज़्यादातर कुरान के आयतें पढ़ा करते थे और धीरे धीरे करके ये लोगों का ब्रेन वॉश किया करते थे। जब लड़के पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाते थे तब डिस्कॉर्ड नाम के एक ऐप से ये चैटिंग किया करते थे, जहाँ पर इनको कुरान की आयतें और पढ़ाई जाती थी, किस तरीके से इनको इस्लाम के अंदर कट्टर बनाया जा सके इस सारे प्रोसेस चला करती थी। इससे रिलेटेड अब तक 400 से भी ज़्यादा इन्होंने कन्वर्जन करवा दिए हैं और अभी हाल फिलहाल में 3-4 केस सामने आए थे, जहाँ पर महाराष्ट्र संगमनगर और गाजियाबाद से केसेस थे, जहाँ पर 4 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। और एक केस था संगमनगर का, जहाँ पर एक बिहार के लड़के ने एक महाराष्ट्र में रहने वाली लड़की के पास में पहुंचा और उसे किडनैप करने की कोशिश की। जब उसने मना कर दिया कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगी, उसके बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और ये सारा मामला निकल कर सामने आया। दरअसल 30 मई 2023 को गाजियाबाद में रहने वाले एक जैन उद्योगपति ने एक FIR दर्ज करवाई पुलिस के अंदर, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि उनका लड़का कुछ दिनों से अचानक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब उस लड़के से उसके बाप ने पूछा कि तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तो उन्होंने सारी बात खोलकर बताई। तब उनके माता पिता भी चौंक गए और पुलिस ने ये पूरा मामला NIA को सौंप दिया। उसके बाद में महाराष्ट्र से लेकर गाजियाबाद और फिरोजाबाद और पंजाब से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कस्टडी में लिया गया, जहाँ पर एक मौलाना को भी गिरफ्तार किया गया जिनका नाम था अब्दुल रहमान। इसको गिरफ्तार करने के बाद में ये पता चला कि इन सब के जो लिंक थे वो पाकिस्तान और ISI से जुड़े हुए थे। इन लोगों को वहाँ से फंडिंग मिलती थी लोगों को कन्वर्ट करवाने के अंदर। इनका एम था कि वो किसी भी तरीके से 2047 तक इंडिया को इस्लामिक राष्ट्र बना दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुसलमान में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लें। ये जो जिस तरीके से इस्लाम में कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरीके से गलत था और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ में पर्याप्त सबूत भी मिल चुके हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के शो में बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और इशू के साथ में, एक और नई चर्चा के साथ में। तब तक आप देखते रहिए TV भारत 24। जय हिंद, वंदे मातरम।